हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय चरण दो प्रयास अभ्यास पुस्तिका, जो आपको रिजल्ट के साथ साथ दी गई है गर्मियों में भरने के लिए। यानी ये गर्मियों में भरने के लिए आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आपको गर्मियों में भरना है, अवश्य ही भरना है इसे। इसका नाम आपको पता ही है, यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय चरण दो प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 तक के लिए है ये वाला। और ये प्रोजेक्ट कार्य हम तीसरा हल कर रहे हैं। यहाँ पर एक और दो मैंने डाल दिया है, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उन पर क्लिक करके आप पूरे एक साथ में सभी का हल देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से कुछ उसका इंटरफेस दिया गया है आपका पहले कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लीजिए। ये दिया गया है आपका हमारा घर हमारा विद्यालय चरण दो प्रयास कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार का है ये तीसरा प्रोजेक्ट कार्य, इस प्रकार से दिया गया है हमारा। यहाँ पर एक सौरमंडल का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इससे हमें ये भरना है, इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देंगे। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं किस प्रकार से इसका प्रश्न देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर हमारा सूर्य है, दूसरी कक्षा में हमारा कौन सा ग्रह है यहाँ पर देख लीजिए, ग्रह के नाम याद करते चलना है, बुध है। और दूसरी वाले में कौन है, शुक्र। तीसरी वाली में कौन सा है, पृथ्वी। और चौथे वाले में कौन सा है, मंगल। तो यहाँ पर नियम याद रखेंगे, मतलब क्रम याद रखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके बाद फिर आएगा आपका, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बृहस्पति शनि, यहाँ पर अरुण और यहाँ पर वरुण। अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। तो नाम याद रखेंगे ढंग से। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सब सूर्य के सबसे पास में यानी निकट का ग्रह कौन सा है। तो सबसे पास में आपको यहाँ पर पता होगा कौन सा ग्रह है हमारा, बुध। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है यहाँ पर, तो सबसे दूर ग्रह हो जाएगा हमारा वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, जुपिटर, जिसको क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर बलय दिखाई देते हैं। बलय मतलब होते हैं छल्ले, यानी ये छल्ला टाइप के दिखाई देते हैं, तो रिंग टाइप के दिखाई देते हैं, तो कौन से के दिखाई देते हैं, शनि। इसके बाद सबसे कम समय चक्कर लगाने में किसको लगता होगा, देख लीजिए यहाँ पर, जिसकी कक्षा छोटी होगी उसी को कम समय लगेगा। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर कक्षा दिख रही होगी, तो बुध सबसे पास में है, तो सबसे कम चक्कर लगाने में समय लगता होगा तो बुध को लगता होगा। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी लेते हैं, यहाँ पर जो दी गई है इसमें जानकारी, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, पहले है आपका बुध ग्रह, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 88 दिन में पूर्ण करता है और अपनी परिधि पर कितने में करता है, 59 दिन में पूर्ण करता है। कौन सा ग्रह है, बुध। शुक्र का क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में इसे लगता है 255 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में इसे कितना समय लगता है, 243 दिन। और इसके बाद है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पता ही है आपको, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है 365 दिन का समय और खुद का चक्कर लगाने में लगता है उसे 1 दिन, मतलब 24 घंटे में लगा लेती है। और यहाँ पर इसके उपग्रह कितने हैं, 1 चंद्रमा है केवल इसका उपग्रह। मंगल का क्या है, तो मंगल को सूर्य का परिक्रमा लगाने में 687 दिन लगते हैं और इसके बाद खुद की परिक्रमा लगाने में 1 दिन लगता है। और इसके चंद्रमा कितने हैं, मंगल के 2। इसके बाद अगला दिया है बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में लगाता है 11 साल 11 महीने और 12 दिन, ठीक है। बचते हैं यहाँ पर, और खुद का घूर्णन कितने दिन में लगाता है, 9 घंटे, यानी बहुत समय कम लगता है इसका। और इसके कितने हैं, चंद्रमा कितने हैं, 53। तो यहाँ पर ये आपको जानकारी दिख रही होगी, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारे यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें दिख रहा होगा आपको। तो ये यहाँ पर दी गई है बुध के बारे में जानकारी, शुक्र शनि, यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, और यहाँ पर शनि के बाद आपका ये आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुण वरुण, इसे नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है। यूरेनस बोलते हैं अरुण को और नेपच्यून बोलते हैं वरुण को। आइए प्रश्न को हल करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हमारा दिया गया प्रश्न, तो इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना है डिटेल से। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र को देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो हमने पहले ही खोज की थी कितने ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको और इनकी गिनती कर लीजिए आप। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रहे, गिनती कर लीजिए कितने ग्रह हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो कितने ग्रह है टोटल? आठ। तो यहाँ पर आपको कितने ग्रह लिख लेना है? आठ ग्रह। तो यहाँ पर हम भरेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्वरमंडल में आठ ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? आठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया स्वरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो हमने पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा था बृहस्पति। तो स्वरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरे का, तीसरे का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है सूर्य से, तीसरे सूर्य से क्रम में तीसरे ग्रह कौन सा है, यानी तीसरे नंबर का कौन सा था? तो पहला आपको पता है, पहला था बुध, दूसरा था शुक्र, और तीसरा था आपका बुध शुक्र, और इसके बाद था पृथ्वी। तो तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा हमारा? पृथ्वी। तो क्रम याद रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है बुध कितने दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। तो हम पढ़ चुके हैं इसे कितना समय लगता है, इसे समय लगता है आपका 88 दिन, यानी सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन लगाता है? बुध ग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो इसे लगता है एक वर्ष, यानी 365 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, यानी एक चक्कर लगाने में 365 दिन, या इसे बोल सकते हैं एक वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रह के चारों ओर बलय, बलय मतलब यानी रिंग्स दिखाई देते हैं, रिंग यानी छल्ले, छल्ले दिखाई देते हैं। तो हमने पढ़ा था शनि ग्रह के चारों ओर बलय आकृति दिखाई देती है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया सातवां सूर्य से सबसे दूर कौन सा था। तो सबसे दूर था आपका क्रम था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कौन सा सबसे लास्ट में? वरुण था हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूमता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर दिया गया आपका यानी 24 घंटे में मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, तो एक दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां, तारे व ग्रह में अंतर पता कीजिए। तो तारे व ग्रह में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए तारे व ग्रह में बहुत फर्क होता है। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह नहीं चमकते। ग्रह हमारे पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर पृथ्वी रात में चमकता नहीं है, और सूर्य देख लीजिए और तारे देख लीजिए, तारे और सूर्य एक ही होता है, सूर्य भी तारा है, तो वो रात में चमकते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके अंतर हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट दिया गया हमारा दसवां क्वेश्चन, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौरमंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो इसका मॉडल किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको इस प्रकार से ये मॉडल तैयार करना है, या फिर आपको अपनी पुस्तक में ये मॉडल मिल जाएगा, तो आप उसमें देख के ये बना सकते हैं। ये गोल आकृतियाँ किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये आप गोल आकृतियाँ अपने प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप नहीं बना सकते हैं तो यदि तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो बुक है उसमें से आप निकाल कर इसमें पैम्पलेट लगा सकते हैं, यानी तस्वीर को वहाँ से निकाल कर इसमें चिपका सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा पूरा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।